भाई इस समय मैं जिस कार में बैठा हूँ वो किया कारेंस है। इसमें ना फोन को चार्ज करने के लिए कितने पॉइंट मिलते हैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो फ्रंट में देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, टाइप सी का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखो आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप इसे लगाकर अपने वायर से टाइप सी मिलता है तो आप आईफोन को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो थी फ्रंट की, अब अगर बैक में चलेंगे तो वहाँ कितना मिल रहा है, यानी यहाँ पर एक टाइप सी मिलता है, एक यूएसबी मिलता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं पीछे क्या मिलता है। तो गाड़ी के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है भाई, यहाँ आपको टाइप सी मिलता है। ये देखिए यहाँ पर लग गया और देखिए यहाँ पर लग गया, ये लगाने पर देखिए मेरा फ़ोन यहाँ पर चार्ज होने लगा। तो दो पॉइंट यहाँ पर मिलता है, टोटल कितने में टाइप सी, 1, 2, 3। अब और पीछे चलते हैं, पीछे आपको दिखाता हूँ भाई वहाँ पर कहानी क्या है। तो यहाँ पर ना आपको बूट खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो कि यहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई बैठा है तो यहाँ भी एक टाइप सी का पॉइंट मिलता है, ये देखो फोन चार्ज होने लगा और वहाँ पर भी सेम टाइप सी मिलता है। तो टाइप सी कितना मिलने लगा, 1, 2, 3, 4, वहाँ 5, 5 टाइप सी मिलता है, एक वायरलेस मिलता है, एक यूएसबी मिलता है। तो टोटल आप समझ लो कि 6 आईफोन को आप एक बार में चार्ज कर सकते हो। यूएसबी को अगर लेते हो तो एक बार में 7 आप एंड्रॉयड को चार्ज कर सकते हो और अगर 12 वोल्ट के सॉकेट को ले सकते हो तो आप भाई 7 से ज़्यादा फ़ोन को इस कार के अंदर चार्ज कर सकते हैं।